राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सालीमार पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। झरिया प्रखंड क्षेत्र के झरिया के सालीमार कांग्रेस नेता शमशेर आलम के आवास रविवार 20 नवंबर को झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे, वर वधु को आशीर्वाद दिया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि धनबाद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वह SNMMCH निरीक्षण करने पहुंचे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर कई तरह के तंज कसे। मंत्री ने बागमारा में CISF द्वारा गोली मारकर 4 लोगों को ढेर करने के मामले में CISF को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि CISF अगर चाह ले तो कोल ब्लॉक से एक रोड़ी भी चोरी नहीं हो सकती। आखिर क्या ऐसी वजह हो रही है कि आपको गोली चलानी पड़ रही है, लोगों की हत्या करनी पड़ रही है? क्योंकि आप के माध्यम से जब ऑर्गेनाइज क्राइम होगा, संगठित लूट होगी, तो निश्चित तौर पर उसको देखकर गरीब गुरबा का भी मन जो है मचलेगा। मतलब जो हीरा की चोरी कर रहे हैं उनके लिए कोई सजा नहीं, जो खीरा की चोरी कर रहे हैं उसके लिए सजा है। मैं समझता हूँ ये गलत है। अक्सर धनबाद पुलिस का क्या काम है? धनबाद पुलिस का काम यही है कि वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है, जो पूर्णता क्वालरी की रक्षा करने के लिए, उसको बाहरी तौर पे वो मदद करने के लिए, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। अब धनबाद की पुलिस को हम कोई क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं कि धनबाद की पुलिस जो है पूरी तरीके से क्लीन है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि कुछ धनबाद पुलिस के भी कुछ अधिकारी पदाधिकारी हो सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में मजबूती से काम कर रही है और हम इस झारखंड की माटी को कलंकित नहीं होने देंगे। और यही कारण है कि लगातार प्रयास हो रहे हैं। और इतना आपने देखा होगा कि बीच में एक छापामारी जो हमने पूरे राज्य स्तर पे किया था, फिर से हम लोग इस पर विचार करें। सुदाम के गोलीकांड में मैं अभी एक कोई गोप लड़का की मौत हुई है, अमर गोप की, उसके भी हम बात करेंगे SSP से और SSP को निर्देश देंगे कि इमीडिएट इस पे कड़ी कार्रवाई करें, हत्यारों को विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए जेल की सलाखों तक के लिए लागू है। विधि किसी के लिए ये नहीं है। और जब किसी की हत्या होगी तो उसमें तो जो भारत में संविधान करा चलता है, कानून करा चलता है, तो जो कानून प्रदर्श विधि हमारा जो हमको कहेगा उस हिसाब से मामले दर्ज होंगे। सर, PMCH में लाइट की व्यवस्था नहीं है जिससे कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना। मैंने अभी तुरंत सिविल सर्जन को कहा है, PMCH के लिए भी कहा है, उसके प्रिंसिपल को भी कहा है, सिविल सर्जन को भी कहा है, सदर के लिए भी हमने कहा है, जो इक्विपमेंट वगैरह की कमी हो रही है। इवन अभी हमने 8.5 करोड़ रुपया दिया भी था, इसके बावजूद भी जो कमी हो रही है उसके लिए मैंने कहा है कि सारी चीज़ का एक समीक्षा रिपोर्ट बना के मुझे सपोर्ट करें।